हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। यू नो, जब ऐसे सर्दी का मौसम शुरू हो गया और बच्चे भी घर पे हों और इतने सारे लोग भी हों, इतनी मस्ती का मूड रहता है हमेशा घर पे, तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्पेशल होना चाहिए खाने के लिए। सो मैंने सोचा है कि आज मैं सब लोगों के लिए बनाऊंगी हैप्पी मील। यस, यानी कि मैं बनाऊंगी फ्रेंच फ्राइज, माई वर्जन ऑफ वेजी बर्गर एंड ओरियो मिल्क शेक, है ना। यम यम यम, सोच के ही बड़ा वैसे मुंह में पानी आ रहा है। सो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो वेजी बर्गर है वो मैं किस तरह से बनाऊंगी, उसकी रेसिपी सबसे पहले शेयर करूंगी। सो अब हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लें। सो ये मैंने लिए हैं 7 बॉइल्ड पोटेटोज और ये एक कटोरी बहुत ही छोटी सी चॉप की हुई कैरेट। फिर ये है पीस एक कटोरी, इसे भी हम बॉइल करेंगे। एंड ये मैंने ली है लगभग हाफ अ बिग बंडल ऑफ स्पिनच। देखिए, बच्चे जो है ना वो सब्जियां खाने में यूजुअली आनाकानी करते हैं एंड आई एम श्योर ऑल द मदर्स, ये सब आपका एक बहुत बड़ा कंसर्न होता होगा, तो इसीलिए मैं कोशिश करके इसमें जितनी सब्जियां डाल सकती हूँ उतनी सब्जियां डाल रही हूँ। इसके साथ स्पाइसेस बहुत सिंपल है, ये है सॉल्ट, ये है रेड चिली पाउडर, ये है हल्दी यानी कि टर्मरिक और ये है जीरा पाउडर एंड मैं लूंगी थोड़ी सी एक सीजनिंग। ये मेरी डोमिनोज की बची हुई है, आपके पास नॉर्मल पिज्जा पास्ता सीजनिंग हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। एंड देन वी विल टेक सम ऑलिव ऑयल। ये मैंने बर्गर बंस लिए हुए हैं, इनके ऊपर तिल लगा हुआ है, ये वाले बर्गर बंस। देन चीज स्लाइसेस, मैदा, वेज मेयोनीज। मैंने फन फूड्स के लिए, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आसपास आप वो ले सकते हैं, एंड ब्रेड क्रम्स। So, मैंने पोटेटोज को जो है उन्हें मैश कर लिया है और ये देखिए मैंने दो बोल्स में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, ये पानी ऑलरेडी बॉईल हो रहा है, तो इसमें मैं कैरेट और पीस एक साथ डाल के बॉईल कर लूंगी। मीनवाइल हमारा ये पानी बॉईल हो रहा है, इसमें हम पालक को ब्लांच कर लेंगे। सो पानी बॉइलिंग हो गया है, अब मैं ये पालक के जो पत्ते हैं मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे, इसे सिर्फ 15 या 20 सेकंड्स तक ही आपको बॉइल करना है। सो ये हमारी पालक जो है वो अच्छे से ब्लांच हो चुकी है और मैं उसे एक छन्नी में निकाल रही हूँ। सो ये हमारी वेजिटेबल्स बॉइल हो चुकी है और ये देखिए पालक को ब्लांच करने के बाद मैंने इस तरह से उसका पूरा पानी जो है वो निचोड़ दिया, क्योंकि हमें हमारे बैटर में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए। एंड ये भी पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं, तो अब हम बैटर रेडी करते हैं। तो सबसे पहले ये इसमें डाल दूंगी मैं पूरा। यू नो, आप चाहे तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें और बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच बीन्स हो गई या कॉर्न हो गया, मशरूम हो गया, वट एवर यू लाइक, आप जो अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्ट, ये आपके टेस्ट के हिसाब से, मैं इसमें लगभग 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूं। रेड चिली पाउडर, आप चाहे तो पेपर भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी एंड जीरा पाउडर। और अब हम डालेंगे हमारी ऑरिगैनो सीजनिंग। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से ब्रेड क्रम्स, 3 हीप स्पून्स, मतलब अच्छे से भर के, 2 से 3 चम्मच मैदा। अब इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो ये देखिए, ये मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से रेडी है। सो बहुत जरूरी है कि सब्जियों का पानी जो है वो आप अच्छी तरह से हटा दें, वरना ये जो स्टिफनेस आपको दिख रही है वो नहीं मिलेगी, फिर आपको मैदा ज्यादा डालना पड़ेगा, फिर ब्रेड क्रम्स ज्यादा डालने पड़ेंगे एंड इट विल टर्न आउट टू बी वेरी रबरी। सो वो हमें नहीं चाहिए। अब आप अपने डिजायर्ड शेप की जो है टिक्कियां बना लें, ये आइडियली आप थोड़ी बड़ी बनाए ताकि बर्गर के अंदर अच्छे से आ जाए। सो अब मैं वो बना लूंगी।
सो ये हमारी जो है पैटीज रेडी हो चुकी है और मैंने ऑयल पैन में गरम होने रख दिया है और ये मैंने लगभग हाफ कप पानी में 2 से 3 चम्मच मैदा जो है वो घोल के रख लिया है और इसमें मैं एकदम थोड़ा सा नमक डालूंगी। हाँ जी लेकिन 512 नहीं मिला, 256। हाँ चलेगा, 512 अवेलेबल ही नहीं कहीं पे। कोई बात नहीं, खोलो खोलो तुम खोलो। अरे ये क्या हो गया, ये तो मैं बना रही थी सरप्राइज, ये तो आपने बना दिया मेरा सरप्राइज। बाद में आराम से खोलेंगे। अरे ये रो रहा है, वो करूँ कि ये खोलूँ, ये गलत बात है, अभी क्या करूँ। तब तो मैं और ज्यादा खुशी से कुकिंग करूंगी क्योंकि ये सरप्राइज तो मेरा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और ओके सो लेट्स कंटिन्यू। ये मैंने जो है बैटर बना लिया, अब हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि तेल गर्म हो चुका है। ये टिक्की आपको इसमें डिप करनी है, ज्यादा नहीं एकदम थोड़ी सी, और फिर आपको ब्रेड क्रम्स में कवर करना है कंप्लीटली एकदम अच्छे से। और फिर इसे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तो ये जो क्रिस्प कवर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मैदा में डिप करके अच्छे से जो है ब्रेड क्रम्स में भी डिप करें, वरना ये क्रिस्पी जो कवर है वो आपको नहीं मिलेगा। एंड बीच बीच में ये ऑयल साइड में से आप टच करते रहिएगा ताकि साइड्स भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। सो ये मैंने एकदम धीमी आंच पे जो है स्लोली कुक किया है। अब ये इतना हुआ है मैं निकाल लूंगी क्योंकि मैं अब इसे ठंडा होने दूंगी और फिर मैं इसे डबल फ्राई करूंगी टू गेट मोर क्रिस्प लेयर। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए जो है फ्रीजर में डाल दूंगी ऊपर से एक टिश्यू से कवर करके। ये टिक्की मैंने फ्रीजर में डाली थी, ये अच्छी तरह से ठंडी सेट हो चुकी। डबल फ्राई करने का जो मेथड है ये बेसिकली हम क्रिस्पनेस कवर की थोड़ा बढ़ाने के लिए ही करते हैं। आप अगर इसे अवॉइड करना चाहे आप कर सकते हैं, इफ यू ओके विद द सॉफ्टर टिक्की इट्स टोटली योर चॉइस। सो अब असेंबलिंग द बर्गर, तो ये मैं बीच में से कट कर लूंगी। आप चाहे तो इसे कोने से अटैच भी रख सकते हैं जैसे वड़ा पाव में देते हैं, लेकिन मुझे पूरा कट करना ज्यादा अच्छा लगता है। एंड फिर आप थोड़ा सा बटर लगा के बर्गर्स को टोस्ट कर लेंगे। सो माय बर्गर बंस आर रेडी। सो ये मैं टिक्की, ये देखिए ये इतनी अच्छी तरीके से हर जगह से एकदम क्रिस्प हो गई है और टूट भी नहीं रही है। तो जब इसका बाइट लिया जाएगा तो ये बहुत ही अमेजिंग लगेगी। ये जो ऊपर के हिस्से के बंस हैं इस पे हम लोग अच्छे से मेयोनीज लगा लेंगे और इस पे हम रखेंगे थोड़ी सी लेटस, ये आइसबर्ग लेटस है, और ये मैंने थोड़े स्लाइस्ड अनियन रखे हैं। ये अनियन को स्लाइस करके पानी में अच्छी तरह से धो जरूर दीजिएगा, हो सके तो 5-10 मिनट भिगो भी दीजिएगा, वरना अगर आपके अनियन बर्गर वाले अनियन तीखे हुए तो बर्गर का मजा नहीं आएगा। और अब इसके ऊपर हम ये रख देंगे। सिट, अब बर्गर इज रेडी। और अगर आप चीज डालना चाहते हैं तो अब सबसे ऊपर जो है आप चीज का एक स्लाइस रख देंगे। सो दिस इज आवर वेजी बर्गर विद चीज एंड दिस इज विदाउट चीज। चलिए आप नेक्स्ट चीज रेडी करते हैं। देखिए मैंने 3 लार्ज साइज के पोटैटोज लिए। जब भी आपको फ्राइज बनाने हो ना तो जितने बड़े आप पोटैटोज लेंगे उतना आपके लिए भी बेटर है और उतने ही ब्यूटीफुल फ्राइज आपको मिलेंगे, जैसे कि ये देखिए ये। सो चलिए अभी हम इसको कट करते हैं। सबसे पहले इसे पील कर लेंगे। और फिर आप इसे एक लेवल पे रख के
ये देखिए, एक आपको फ्लैट हिस्सा चाहिए, इसके बाद आपको जितनी थिकनेस चाहिए फ्राइज की आप उतना इसे कट करते जाएंगे डिस्क्स में। और अब इनको आप धीरे धीरे अपने हिसाब से स्क्वेरिश शेप में काटते जाएंगे। तो ये बन गई आपकी फ्राइज। और इसको एक बोल में पानी रेडी रखिएगा, उसमें डालते जाइएगा। सो ये देखिए, अब इस पानी में आपको स्टार्च दिखाई दे रहा है, तो इस पानी को आपको तब तक धोना है जब तक ये क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, यानी कि ये। अब ये मैं ऑलमोस्ट 3-4 बार धो के रिंस कर चुकी हूं। सो ये देखिए, ये धुल के पानी दोबारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब इसे आप या तो फ्रीजर में डाल दीजिए 15 मिनट के लिए, या अगर आप फ्रीजिंग पानी आपके पास है यानी बर्फ का पानी अगर आपके पास है तो इसे उसमें 15 मिनट के लिए डिप करने दीजिए। तो ये अच्छी तरह से मैंने स्ट्रेन कर लिया, देखिए अभी मैंने छाननी में रखा हुआ है। अब आपको ये जो फ्राइज हैं इनको फ्राई करने से पहले एक टिश्यू पेपर पे अच्छी तरह से सुखाना है, मतलब इन पे बिल्कुल भी पानी बचा नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसको डैप कर करके आपको पूरी तरह से ये सुखा लेना है। सो ये देखिए, फ्राइज पूरी तरह से जो है ड्राई हो चुके हैं, और अब हमारा ऑयल भी एकदम बॉइलिंग हॉट हो गया है। तो अब हम इसमें फ्राइज फ्राई कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट फ्राइंग है, इसमें आपके फ्राइज बिल्कुल भी डार्क कलर के नहीं होंगे। आपको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसे थोड़ी देर के लिए कुक करना है बेसिकली, और फिर निकाल के ठंडा कर लेना है। फर्स्ट फ्राइंग होने के बाद आपको इसे ठंडा करके एक्स्ट्रा ऑयल डैप करके इसे फ्रीजर में रखना है एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स, या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। सो टाइम फॉर सेकेंड फ्राई, और उसके बाद हमारे जो फ्रेंच फ्राइज है वो एकदम क्रिस्पी और रेडी हो जाएंगे। So, जिनके लिए स्पेशल मील बनी है वो लोग आ गए हैं खाने के लिए, आइए। तो ये देखिए, सेकंड फ्राई के बाद हमारे जो फ्राइज है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। मैं अपनी फ्राइज में सिर्फ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो सॉल्ट एंड पेपर या कोई और मसाला कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो नाउ ओरियो मिल्कशेक। फॉर दी ओरियो मिल्कशेक मैंने लिया है वनीला आइसक्रीम। ये मैं अच्छे से, ये 1/2 kg का पूरा डब्बा है, तो इसमें 1/2 से थोड़ा ज्यादा मैं डाल दूंगी। आपको कोई भी मिल्कशेक बनाना हो ना, घर पे अगर कोल्ड कॉफी भी बनानी हो ना, तो उसमें 1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम डाल के देखिएगा, बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत मजा आता है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 मग मिल्क, दिस इज चिल्ड ठंडा मिल्क, और ये बिस्किट। सो ये मेरे पास छोटे वाले पैकेट है, ये मैंने 3 लिए हैं। इसको रफली तोड़ के आप इसमें डाल दीजिए। अब मैं इसे बंद करूंगी और हम इसे चर्न कर लेंगे। सो हमारा मिल्कशेक जो है वो रेडी है। इससे मुझे लगभग 3 ग्लासेस मिले हैं। अब देखिए, ये जब आप बनाएंगे ना, तो बिकॉज इट हैज क्रीम इन द सेंटर, सो जब आप उसे चर्न करेंगे तो वो हल्का सा रेजिड्यू ऊपर आ जाता है। डोंट गेट वरिड कि आपका दूध खराब हो गया है या कुछ, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। टेस्ट करोगे तो एकदम यम लगेगा। अब बस हम साथ में सर्व कर। चलो, तो हमारे जजेस आ चुके हैं, ऐसे ठंडी ठंडी वाला मोमेंट है। तो अभी हम इनको सर्व करेंगे, और सभा को बिना चीज के अच्छा लगता है, तो मैंने उसके लिए बिना चीज का रेडी रखा है। ओरियो मिल्कशेक। सो आज मैंने तुम लोगों के लिए जो स्पेशल मील बनाई है वो है वेजी बर्गर, फ्राइज और ओरियो मिल्कशेक। ओके, तुम भी बिना चीज के खाती हो। मिल्कशेक तो यहाँ पीता नहीं है।
नहीं मिल्क शेक तो आपने मना किया ना रिहान को देने के लिए, ठंडा तो देना ही नहीं है। नहीं पीते। नहीं मुझे बहुत पसंद है। नहीं पर तुम्हें ठंडा देने के लिए, मतलब अगर मैं वैसे कम पीगा तीन ग्लास मैंने। हाँ, और शानू भाई ने बोला था कि रिहान को ठंडा बिल्कुल नहीं देना। शक्ल की वैसी हो रही है, बताओ कितना भर दो पूरा बताओ। और थोड़ा और बस 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 कैसा है? क्या रेहन बर्गर बिना मिल्क शेक के अच्छा लगेगा? अच्छा तो अगर मिल्क शेक नहीं होता है तुम मैकडी से क्या लेते हो? ये ले ठंडा है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। मैंने हाँ तो बोला नहीं अभी, हाँ बोल दो मैं ले लूंगा। तुम तो पहले ले लिया हाथ में, भाभी ने दे दिया के दांत पीने दो। मेरे लिए क्या करोगे बताओ? अरे अभी खाने दो। तो हमने पहले से सोचा था सबा ने और मैंने कि जिस दिन इनको ये हैप्पी मील दिया जाएगा उस दिन रेहान को और हैप्पी करने के लिए उसका डाइट कोक दिया जाएगा। ओके जी। और वैसे मिल्क शेक भी है, अगर बाद में तुम्हें मिल्क शेक भी पीना होगा तो रूम टेम्परेचर का करके पी लेना। बहुत अच्छा बना। ठीक बना है? बहुत। अरे तुम लड़के हो, तुम लोगों ने तो बताया नहीं कैसा है। कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा बहुत ही अच्छा टेस्ट है। पीने तो बहुत अच्छा। वाह क्या बात है, मस्त है। So, ये था मेरा हैप्पी मील जो मैंने इन बच्चों के लिए प्रिपेयर किया, और ये लोग तो यहाँ हैप्पी होके से खा रहे हैं, और नीचे जो हमारे बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं, यानी अम्मी खाला अम्मा सब इंतजार कर रहे हैं इस मील का। सो आप लोग भी अपने फैमिली के लिए ये बनाइए क्योंकि बहुत ही यम्मी बनता है, ऐसा इन लोगों ने मुझे बोला। जल्दी जल्दी बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा इस वीडियो को। चलो बच्चों बोलो कीजिए, और जब आप बनाएंगे ना तो इंस्टा पे मुझे टैग करना मत भूलिएगा। ओके।